अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ OBS की सेटिंग, OBS का इस्तेमाल कैसे करते हैं, OBS किस लिए होता है, OBS का सॉफ्टवेयर जो है आप इससे स्क्रीन रिमूव कर सकते हैं, आप बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, गेम की स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। तो यह आप मेरे लैपटॉप पर देख रहे हैं, OBS की सॉफ्टवेयर मैंने ऑन किया हुआ है, इसमें ओपन किया हुआ है। PC में और लैपटॉप में आप जो है अपने OBS का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। लाइव वेबकैम भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकते हैं DSLR के ज़रिए या वेबकैम के ज़रिए। इसके लिए आपके पास जो है DSLR या वेबकैम होना ज़रूरी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो गाइस OBS स्टूडियो ऑन कर दीजिए, आपके पास ऐसा शो होगा स्क्रीन। गाइस OBS स्टूडियो की सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद आप जो अपने वेबकैम को ऑन कर लें, उसके बाद OBS स्टूडियो को ऑन कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने अपने वेबकैम को ऑन करना है, ये देख सकते हैं आप, वेबकैम को ऑन कर लिया आपने। यहाँ से सीन पे क्लिक करके आपने वीडियो कैप्चर पे क्लिक करना है, अपने वेबकैम को ऑन करना है। ये आप देख सकते हैं इस तरह शो करेगा ये आपके पास। ये मैंने पीछे बैकग्राउंड पे स्क्रीन लगाई हुई, आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर आपके इसके पीछे आपने बैकग्राउंड लगाना है कोई, तो यहाँ से आप क्लिक करके जो है अपना बैकग्राउंड लगा सकते हैं। या विंडो को कैप्चर करना है, विंडो कैप्चर कर सकते हैं आपके, आपने गूगल क्रोम को कैप्चर करना है अपना, तो शो हो जाएगा। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन है। ये यहाँ पे अगर आपने कोई बैकग्राउंड लगाना है या इमेज लगानी है, वो आप लगा सकते हैं सोर्सेज पे क्लिक करके। यहाँ से ये देखिए, ये इमेज मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे, देख सकते हैं आप, ये इमेज क्रिएट की। अपने OBS स्टूडियो ऑन करने के बाद जो है अपना सीन क्रिएट करना है। सीन क्रिएट करने के बाद अपने इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह शो होगा, आपने सोर्स ऐड करना है इमेज का। तो मैं ये इमेज अपलोड कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। अच्छा, इसके अलावा आपने सोर्स पे क्लिक करके अपने वेबकैम या DSLR को आपने ऑन करना है। तो वीडियो कैप्चर पर जाके आपने क्लिक करना है। तो गाइस ये देख सकते हैं आप, अपने वेबकैम ऑन करने के बाद आपने कुछ इस तरह शो करेगा आपके पास। मेरे इस बैकग्राउंड स्क्रीन पे देखें आप, सीनरी शो कर रहा है ये समंदर की, और मैंने वेबकैम ऑन किया हुआ है। देखिए ऐसे आपको उसको क्रॉप करना है, ठीक है, ये आपका या वेबकैम। अब आप ये चाह रहे हैं कि मेरा बैकग्राउंड रिमूव हो जाए, तो आप उसके लिए आपके पास जो है ग्रीन स्क्रीन होना जरूरी है। जैसे मेरे पास ग्रीन बैकग्राउंड है, देख सकते हैं आप उसको मैंने। अब इसको जो है आपने वीडियो पर क्लिक करके ऊपर सोर्सेज पे क्लिक करना है, वीडियो कैप्चर को ऊपर रखना है। इसके बाद आपने वीडियो कैप्चर पे जो है राइट क्लिक करना है, फिल्टर। जितना अच्छा आपके पास लाइटिंग होगी, उतना अच्छा ये बैकग्राउंड क्लियर कर देगा आपका। ये देख सकते हैं आप, यहाँ कॉन्ट्रास्ट ऑन कर दें, जितना देख सकते हैं। ये बैकग्राउंड रिमूव हुआ है, स्क्रीन में आपको नज़र आ रहा होगा कुछ ऐसे, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, अपने बैकग्राउंड को आप क्लियर कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड बैक साइड पे लगा सकते हैं। इसके अलावा इसमें ऑप्शन जो है स्टार्ट स्ट्रीमिंग के ऑप्शन है, रिकॉर्डिंग के ऑप्शन है, ये आप देख सकते हैं। वर्चुअल कैमरा आप अपने लैपटॉप या PC का जो कैमरा है वो ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडियो मोड है, इसमें सेटिंग है, सेटिंग का ऑप्शन है, स्ट्रीमिंग का ऑप्शन है, स्ट्रीमिंग कर सकते हैं आप, ठीक है।